इस सेशन में आज हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स हमें दिखाई देते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका मेन रोल है रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें माता और पिता के मिलन से एक नया शिशु जन्म लेता है। ये जो सिस्टम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीमेल्स के अंदर जन्म से इमैच्योर रहती है, इनएक्टिव रहती है, काम नहीं करती। बट जब फीमेल्स प्यूबर्टी की एज में आती है, जब उनके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो रिप्रोडक्शन फंक्शन के लिए, प्रोसेस के लिए एक्टिवेट रहता है। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर में जो डिफरेंस है वो है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी होती है। नेक्स्ट, अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देखें तो जितना प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं उतना ही उनका रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो सिंपल रहता है। और अगर हम मैमल्स की बात करें, मैमल्स के अंदर हम ह्यूमंस की बात करें, तो जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, उसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफर होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली, और इन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के यूनियन से न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट सेक्स सेल्स, जिसे हम गैमेट्स कहते हैं। मेल गैमेट्स, पुरुषों में जो गैमेट्स हम देखते हैं उसे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, फीमेल गैमेट्स को हम ओवा कहते हैं। इन दोनों के यूनियन से एक न्यू इंडिविजुअल बर्थ लेता है। जैसा कि हमने देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेक्स ऑर्गन से बना है, तो इस सेशन में हम बात करेंगे एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन के बारे में। एक्सटर्नल जो बाहर से हम देख सकते हैं, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, इसे हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं, और ये बाहर का जो एक्सटर्नल पार्ट है इसे हम वल्वा भी कहते हैं। सो द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर नोन कलेक्टिवली एज वल्वा, इसे हम वल्वा का पार्ट भी कहते हैं। ये वल्वा के पार्ट में हम कौन कौन से स्ट्रक्चर देखेंगे? द फर्स्ट लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, देन क्लिटोरिस पार्ट, देन वजाइनल ऑरिफिस, उसके बाद वेस्टिबुल पार्ट, जिसके अंदर द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी होती है, बार्थोलियन ग्लैंड्स हमें कहते हैं इसे। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं। देखिए इस फिगर के अंदर ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देख सकते हैं, एक्सटर्नल पार्ट है बाहर से जो हम ऑब्जर्व करते हैं। ये जो एरिया है इसे हम वल्वा कहते हैं। इस वल्वा के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो वन बाय वन करके हमें ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर हम देखेंगे लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो है, दीज आर टू लार्ज फोल्ड्स फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ वल्वा, राइट। यहाँ पे देखिए फिगर में ये जो पार्ट है इसे हम लेबिया मेजोरा कहते हैं, दो लार्ज फॉल्ड्स, राइट। ये टू लार्ज फॉल्ड्स यू कैन सी, वन फोल्ड हियर लेफ्ट साइड, वन फोल्ड हियर
राइट साइड। ये जो फोल्ड है इसे हम लेबिया मेजोरा कहते हैं, राइट। ये वल्वा की बाउंड्री बनाता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यू, फैट एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सिबेशियस अक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। इसके अंदर ये जो लेबिया मेजोरा का जो पार्ट है ये स्किन से बना हुआ है, फाइब्रस टिश्यू से बनता है और इसमें फैट्स भी होती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे सिबेशियस ग्लैंड्स भी होती है और अक्राइन स्वेट ग्लैंड्स भी होती है। लेबिया मेजोरा और ग्रेटर लिप्स आर द पार्ट अराउंड द वजाइना कंटेनिंग टू ग्लैंड्स, बार्थोलियन ग्लैंड्स, विच हेल्प्स ल्यूब्रिकेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। लेबिया मेजोरा को हम ग्रेटर लिप्स भी कहते हैं। ग्रेटर, ये आप देखें, ये लिप्स की तरह बड़े बड़े लिप्स की तरह स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, राइट। ये वजाइना के, दिस इज वजाइना पार्ट, उसके अराउंड है। कंटेनिंग टू ग्लैंड्स, इस वजाइना के अंदर यहाँ पे दो ग्लैंड्स होती है। अंदर की साइड जो लेबिया मेजोरा के अंदर रहती है, बाहर से हमें दिखाई नहीं देती, इसे हम बार्थोलियन ग्लैंड्स कहते हैं। और ये जो ग्लैंड्स है वो ल्यूब्रिकेशन के काम आती है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो फ्रिक्शन प्रिवेंट करने के लिए ल्यूब्रिकेट करती है। देन एट प्यूबर्टी हेयर ग्रोज ऑन द मॉन्स प्यूबिस एंड ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द लेबिया मेजोरा। प्यूबर्टी के टाइम फीमेल्स जब प्यूबर्टी की एज में आती है तो हेयर्स ग्रोस मॉन्स प्यूबिस, राइट। ये मॉन्स प्यूबिस का पार्ट है, ऊपर का पार्ट। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे हेयर्स ग्रो होने लगते हैं जो फीमेल्स प्यूबर्टी की एज में आती हैं। इसके साथ ही लेबिया मेजोरा के लेटरल सरफेसेस पे, लेटरल सरफेसेस पे भी आप देखते हैं यहाँ पे हेयर्स ग्रो होते हैं। सो दिस इज अबाउट लेबिया मेजोरा पार्ट। लेबिया मेजोरा दो लार्ज फॉल्ट्स है जो बाहर की साइड हम देखते हैं। लेबिया मेजोरा के बाद हम दूसरा पार्ट देखते हैं, दैट इज लेबिया माइनोरा। मेजोरा जो बड़ा पार्ट था, बड़ा फोल्ड था, लेबिया माइनोरा जो स्मॉल फोल्ड है, तो लेबिया मेजोरा के अंदर की साइड आता है। कहाँ पे? फिगर में देखिए, लेबिया माइनोरा, राइट। दो बड़े फोल्ड्स के अंदर ये जो दो छोटे फोल्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, दिस फोल्ड, दिस इज लेबिया माइनोरा, राइट। दीज आर टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के बीच में दो स्मॉल स्किन के फोल्ड हम देखते हैं जिसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। कंटेनिंग न्यूमरस सिबेशियस एंड अक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। इसके अंदर भी बहुत सारे सिबेशियस एंड अक्राइन स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इसे हम लेजर लिप्स कहते हैं। लेसर मीन्स छोटे हैं, ये इसीलिए लेसर लिप्स कहते हैं। आर द थिन हेयरलेस रिजेस एट द एंट्रेंस ऑफ द वजाइना। इसके अंदर हेयर्स नहीं होते, लेबिया माइनोरा के अंदर छोटे छोटे हेयर्स नहीं होते और ये वजाइना के एंट्रेंस का पार्ट है, अंदर का पार्ट है। द क्लेफ्ट बिटवीन द लेबिया माइनोरा इज द वेस्टिब्यूल। लेबिया माइनोरा के बीच में, लेबिया माइनोरा ये दो फोल्ड्स है, इसके बीच का ये जो पार्ट है इसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, राइट। इस वेस्टिब्यूल के पार्ट में बहुत सारे ओपनिंग्स हम देखते हैं, जैसे कि वजाइना, यूरेथ्रा, राइट। इसके ओपनिंग्स होते हैं, ये वजाइना का ओपनिंग है, यहाँ पे
यूरेथ्रा का ओपनिंग आता है, राइट। उसके साथ ही डक्ट्स ऑफ ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ओपन इनटू वेस्टिब्यूल। ये जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स है जो यहाँ पे लेबिया मेजोरा में अंदर की साइड होती है, उसकी डक्ट्स खुल के यहाँ पे बाहर की तरफ आती है वेस्टिब्यूल के पार्ट में। तो ये लेबिया माइनोरा जो अंदर का स्मॉलर लिप है, और बाहर का ये जो ग्रेटर लिप है इसे हम मेजोरा कहते हैं, अंदर का जो फोल्ड है इसे हम माइनोरा कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम देख रहे हैं वो है क्लिटोरिस पार्ट। ये क्लिटोरिस पार्ट, जैसे कि मेल्स के अंदर पेनिस का पार्ट सेंसिटिव होता है, वैसे ही फीमेल्स के अंदर ये जो क्लिटोरिस पार्ट है, राइट, ये सेंसिटिव पार्ट है। इट कंटेन्स सेंसरी नर्व एंडिंग्स एंड इरेक्टाइल टिश्यूज। इस पार्ट में बहुत सारे सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं, राइट, एंड इरेक्टाइल टिश्यूज भी होते हैं। द क्लिटोरिस इज अ स्मॉल पी शेप स्ट्रक्चर। ये एक बहुत ही छोटा पी शेप स्ट्रक्चर है, राइट। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन फीमेल्स। जब मेल और फीमेल का यूनियन होता है तब उस सेक्सुअल एक्टिविटी में ये जो क्लिटोरिस का पार्ट है वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लिटोरिस पार्ट के बाद हम दूसरा पार्ट देखेंगे, वो है वेस्टिबुलर ग्लैंड, राइट। तो ये जो वेस्टिबुलर ग्लैंड है इसे हम बार्थोलियन ग्लैंड भी कहते हैं, रिमेंबर दैट। आर सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड नियर द वजाइनल ओपनिंग। ये कहाँ पर है? वजाइनल ओपनिंग के पास में, वन ऑन ईच साइड, राइट। ये जो वजाइना है, वजाइनल ओपनिंग, उसके पास ही में दोनों तरफ एक एक बार्थोलियन ग्लैंड्स मौजूद होती है। मींस यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर के अंदर, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये लेबिया मेजोरा का पार्ट है, उसके अंदर अंदर की तरफ ये ग्लैंड्स होती है, राइट। They are about the size of small pea. ये भी एक small pea की तरह उतनी size की होती है. And their ducts open into vestibule immediately lateral to the attachment of the hymen. Right? इनके अंदर से जो duct निकलती है छोटी छोटी, right? इस gland के अंदर से जो duct निकलती है वो इस वजाइनल ओपनिंग, ये जो वेस्टिब्यूल का पार्ट है अंदर, इसके अंदर डायरेक्टली हाइमेन से अटैच होके बाहर निकलती है। दे सीक्रेट म्यूकस दैट कीप्स द वल्वा मॉइस्ट। इसका रोल क्या है बार्थोलियन ग्लैंड्स का? ये क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस। म्यूकस सीक्रेट करती है जिससे ये जो वल्वा का पार्ट है ये मॉइस्ट रहता है। जो वल्वा का पार्ट है वो अंदर से मॉइस्ट रहता है। दिस इज अबाउट वेस्टिबुलर ग्लैंड। रिमेंबर बार्थोलियन ग्लैंड हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा और जानने के लिए, पेरिनियम का पार्ट कहाँ पर आया, राइट। तो जो वल्वा का पार्ट है उसके नीचे हम ये देख रहे हैं, वल्वा का पार्ट, हमने इसके सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए, इसके नीचे पेरिनियम का पार्ट। The perineum is a roughly triangular area extending from the base of the labia minora to the anal canal. ये anal canal है, anus, right? Base of the labia minora. ये जो labia minora का base है, वहाँ से start होके यहाँ तक, anal canal तक, ये जो area है, right? इसे हम perineum कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स एंड फैट। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, मसल्स होती हैं और फैट होते हैं। इट गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे मसल्स
अटैच होते हैं जो इस पेल्विक फ्लोर को सपोर्ट करते हैं, राइट। तो पेरिनियम पार्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक हमने देखा एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जो जेनिटेलियास है, राइट, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं, राइट। बट अब इसकी ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई कहाँ कहाँ से मिलती है इस पार्ट को? तो सबसे पहले आर्टरियल सप्लाई, जो फ्रेश ब्लड है, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ से मिलता है? दिस इज बाय ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरीज। फ्रेश ब्लड इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरीज से मिलता है, जो कि ब्रांच है किसकी? ब्रांच फ्रॉम इंटरनल इलियक आर्टरीज। अब आप फिगर में देखिए, इंटरनल इलियक आर्टरीज, तो ये इंटरनल इलियक आर्टरी है, यहाँ से निकल रही है, राइट। ये जो मेन इंटरनल इलियक आर्टरी है और इसके अंदर से जो ब्रांचेस निकल रही है, राइट, दिस इज इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी से इस पार्ट को ब्लड सप्लाई मिलता है, फ्रेश ब्लड, जो कि किसकी ब्रांच है? इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। एंड बाय एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, दैट ब्रांच फ्रॉम द फीमोरल आर्टरीज, राइट। फिगर में देखिए, फीमोरल आर्टरी, ये फीमोरल आर्टरी है, राइट। इस फीमोरल आर्टरी के अंदर से एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी की ब्रांचेस निकल रही है। यू कैन सी हियर एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी की ये जो ब्रांचेस है वो इस पार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। नेक्स्ट, वीनस ड्रेनेज की हम बात करें, जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ से ड्रेन होता है? इस एरिया से। दिस फॉर्म्स अ लार्ज प्लेक्सस विच इवेंचुअली ड्रेन्स इनटू द इंटरनल इलियक वेन्स, राइट। जो इम्प्योर ब्लड है वो इंटरनल इलियक वेन्स से ड्रेन होता हुआ रिटर्न हो जाता है, रिमेंबर दैट। लास्टली हम बात करें लिम्फ ड्रेनेज की, तो दिस इज थ्रू द सुपरफिशियल इंग्विनल नोड्स। इस एरिया में सुपरफिशियल इंग्विनल नोड्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से लिम्फ का ड्रेनेज होता है। नेक्स्ट, नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो दिस इज बाय ब्रांचेस फ्रॉम प्यूडेंटल नर्व्स। इस एरिया में प्यूडेंटल नर्व्स की ब्रांचेस होती है, वहाँ से इसे नर्व सप्लाई मिलता है, सेंसेशन होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलियास, राइट। होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी अबाउट इंटरनल जेनिटेलियास, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।